जुनवानी परियापारा स्थित यादव समाज के राधाकृष्ण मंदिर को गुरुवार की दोपहर अचानक बुलडोजर से जमींदोह कर दिया गया। इस बात की भनक जैसे ही आसपास के क्षेत्रवासियों और यादव समाज को लगी, उन्होंने स्मृति नगर चौकी पहुंचकर इसका कड़ा विरोध किया। आज से लगभग 30 वर्ष पहले यह पट्टे की जमीन ईश्वर यादव के नाम पर थी। इस स्थान से लगे हुए हिस्से पर राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि आसपास के श्रद्धालु और यादव समाज की आस्था का केंद्र बन गया। लेकिन अब ईश्वर यादव के परिवार ने इस पट्टे वाली जमीन को मंदिर के साथ किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। इस सौदे पर आसपास के लोगों का विरोध भी रहा, लेकिन बुधवार को खरीदार और विक्रेता ने मिलकर दोपहर में, जब आसपास के क्षेत्र में सन्नाटा था, बुलडोजर मंगवाकर मंदिर को जमींदोज कर दिया। इस बात का पता जैसे ही आसपास के श्रद्धालुओं को लगा, सभी ने मिलकर थाने में इसकी शिकायत की। वहीं शिकायत पाकर सुपेला थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने मौके का निरीक्षण भी किया, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। जुनवानी परियापारा है, वहाँ पर ईश्वर यादव हैं, उनके परिवार का एक पट्टे की ज़मीन है, उसमें राधा कृष्ण की एक मंदिर पहले से बनी हुई थी और वो उस मंदिर से लगा हुआ कुछ ज़मीन का हिस्सा है जिसको मिला करके किसी और को बेचा गया और उसके बाद आसपास जो जिनकी श्रद्धा उस मंदिर को लेकर के लोगों को कहना है कि हमारी सम्मति प्रिय उस मंदिर को तोड़ दिया गया और दोनों पक्षों की बात हम लोग सुन रहे हैं और आपसी राय मसले के हिसाब से आगे कार्रवाई तय करेंगे। नहीं, ये आपस में ही तय कर रहे थे और इसमें जो बस्ती वाले भी इन्वॉल्व थे और अगर अचानक से इसको कोई मंदिर को तोड़ा गया है तो उसमें किसकी गलती है, ये हम लोग तय करके उसमें नहीं। अभी आपस में हम लोग राय मशवरा करने के बाद जो बस्ती वाले कह रहे हैं और जो दोनों पक्ष हैं उनसे बातचीत करने के बाद इसकी दिशा तय करेंगे। जुनवानी विनोबा नगर में हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण जी का मंदिर था 30 साल पहले का, उसमें कुछ अपने फायदे के लिए उस जमीन को और मंदिर को तोड़ दिया गया, जबकि उसको समझाइश कुछ दिन पहले समझाइश भी दिया गया था कि उस मंदिर को नहीं तोड़ना है, लेकिन यहाँ वहाँ के कुछ लोग और मतलब धार्मिक के मतलब कुछ लोग उन लोगों को मंदिर जाके तोड़ दिया गया आज स्पॉट पे। बहरहाल दुर्ग पुलिस के समझाइश और सहयोग के बाद लोगों का आक्रोश शांत हुआ। वहीं आसपास के श्रद्धालुओं और यादव समाज ने कहा कि मंदिर का पुनर्निर्माण उसी स्थान पर किया जाएगा और इस आस्था के केंद्र को यथास्थान स्थापित किया जाएगा। ग्रेड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट।